हेलो गाइस, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आज को ये बेबी हब रॉक एंड रोल स्टोर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके जो बेसिक फंक्शन है नॉर्मली वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस इसका जो एडवांस फीचर है जो रॉक एंड रोल वाला है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब मैं आपका स्टार्टिंग करता हूँ इसका कैनोपी से। इसकी कैनोपी काफ़ी अच्छी है। कैनोपी के साथ साथ ये ना फ्रंट फेसिंग और रियर फेसिंग इसका जो हैंडल होता है वो भी है, जिसमें आपका जो रिवर्सेबल हैंडल है वो भी होता है ये वाला। इस तरह से आप लोग इसको आगे कर सकते हैं। ये आपका रियर फेसिंग हो गया। जस्ट अगर आपको फ्रंट फेसिंग रखना है तो आपको ये इस तरह से आप पीछे लेके आ सकते हैं। इसकी कैनोपी आ जाएगी। अभी जस्ट बेबी का जो बैठने वाला जो सीटिंग है वो सिर्फ ये है कि इसका थ्री रिक्लाइनिंग पोजिशन होता है। इसमें सबसे नंबर वन होता है ये वाला बैठने वाला पार्ट है, ये वाला जो है, और सेकंड नंबर पे आता है आपका रेस्टिंग पार्ट, एंड थर्ड नंबर पे आपका आपका स्लीपिंग पार्ट जो होता है बेबी का। और ये सारा जो फंक्शन होता है वो स्टार्टिंग होता है यहाँ से। अगर आप इस क्लिप्स को पुल करेंगे इस तरह से, पुल करने पर ये डाउन हो जाएगा, एंड नेक्स्ट दोबारा से पुल करेंगे तो ये आपका स्लीपिंग पोजिशन में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो फुट रेस्ट है वो आपका एडजस्टेबल होता है फुट रेस्ट। जस्ट अभी आपका ये डाउन हो जाएगा। अगर आपको इसको अप करना है तो आप इस तरह से इसको अप कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज, इसका सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका फीडिंग ट्रे। इस स्टोरन में आपका फीडिंग ट्रे जो है वो दिया गया है, जो कि आपका नॉर्मली 3000 के अप्रोक्सीमेट आपका पैसा सेविंग करता है। इसमें आप बच्चे को बिठा करके आप खाना खिला सकते हैं। आप कुछ भी इसके साथ टॉयज वगैरह इसमें रख दीजिए, बच्चा इजीली उसमें खेलता रहेगा। फीडिंग पोजीशन में इसको लगा करके आप इस वाली ट्रे में आप टॉयज वगैरह रख दीजिए, बच्चा इजीली खेलता रहेगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है एडवांस जो फीचर जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के में, वो है इसका रॉक एंड रोल वाला। अब वो रॉक एंड रोल किस तरह से होता है वो मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से मेरे वीडियो को देख लीजिए। आइए सर, ये जो व्हील का जो पार्ट होता है इसको थोड़ा सा पुश करेंगे अंदर की तरफ, और इस तरह से ये जब अंदर आएगा तो आप इसको इस तरह से कर दीजिएगा। नेक्स्ट इस तरह से इसी के अंदर आपको करना पड़ेगा। इसमें भी आपको ये इस तरह से अंदर पुश करके इसको ऊपर उठाना है नॉर्मली, फिर छोड़ देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं। पीछे वाले जो टायर होते हैं इसके, पीछे वाले टायर में आपको ये वाला बटन दिख रहा होगा दोनों तरफ, इसको आपने पुल करना है बाहर की तरफ। आप जब इसको पुल करेंगे इस तरह से, ये आप देख लीजिएगा इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से पुल करना है, और इसको पीछे लेके आना है ऐसे। ये अब आपका रॉक एंड रोल वाला जो जो आपकी रॉकिंग चेयर होता है वो आपका बन गया है इस तरह से। ये अगर आप देखना चाहो तो इस तरह से आपका रॉकिंग चेयर होगा। इसका जो ये जो फंक्शन है ये नॉर्मली बच्चे को सुलाने के लिए, या बच्चा क्रॉलिंग करना है, रो रहा है बच्चा, तो आप इसको इस तरह से बना करके छोड़ दीजिए। बच्चा खुद से हाथ पैर मारेगा, ये रॉकिंग चेयर ऑटोमेटिकली ऐसे ही मूव होती रहेगी आपकी। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है आपका वो है इसको फोल्ड करना। इसको फोल्ड किस तरह से करेंगे और फोल्ड होने के बाद ये गाड़ी में कितना स्पेस कवर करेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आते हैं इसके फोल्ड करने वाले पार्ट पे। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा ये नॉर्मली जो क्लोज होता है वो मैं क्लोज भी बता देता हूँ आपको। अभी ऐसे था, अब कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मली इसे उठा करके इसको पीछे लेके जाना है, ऐसे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। That's all. अब इसका जो फोल्ड होने वाला पार्ट है वो आपका जो फोल्ड होगा, आपको पहले इस जो आपका सोने वाला जो पोजीशन बना हुआ है वो आपको बैठने वाले पार्ट में बनाना पड़ेगा इस तरह से, और ये वाले जो क्लिप्स है इसको पुल करके करते हुए आपको ये इस तरह से फोल्ड करना है नॉर्मली। ये आपका फोल्ड हो गया, एंड ये आपका लॉक पोजीशन हो जाएगा। लॉक पोजीशन में आप इस तरह से इसको, ये आपका लॉक हो गया है। अब आप इसको ऑन व्हील आप इसको कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जब इसको अनफोल्ड करना है नॉर्मली इस तरह से इसको खड़े करके, ये इस तरह से का। दैट्स ऑल, कितना सा नॉर्मली फंक्शन है। ये भी आप बच्चे का लेटने वाला लुटने वाला बना दीजिए। और एक जो मेरा पार्ट बच गया था वो है आपका सेफ्टी बेल्ट का।
बच्चे के सेफ्टी के पर्पज से सेफ्टी बेल्ट भी दे रखा है, ये वाला जो है, जिससे कि बच्चा स्ट्रोलर से जंप ना करे, उस जंप से बचने के लिए इसमें सेफ्टी बेल्ट दिया हुआ है। और नेक्स्ट इसका एक आता है स्टोरेज, इसका स्टोरेज जो है वो काफ़ी बड़ा है, आप खुद देख सकते हैं इधर, ये स्टोरेज है इसका, काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, बिग व्हील्स के साथ में, और व्हील्स काफ़ी हैवी व्हील्स है इसके, इसके ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं आपका, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि आपका रियर ब्रेक एंड फ्रंट दोनों पे ब्रेकिंग सिस्टम होता है, अभी आपका जो है घूमेगा नहीं। इसके चारों व्हील्स इसके लॉक हो गए हैं, अब ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी। और इसका जो 360 रोटेशन होता है टायर्स का, फ्रंट टायर में जो 360 रोटेशन होता है वो भी दिया हुआ है, ये आप लॉक कर देंगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, बिल्कुल सीधा चलेगा आपका स्टोरेज जो रहेगा। ओके गाइस, सो गाइस ये बेबी हक का बेस्ट सेलर है, जो स्टॉलर है वो बेस्ट सेलर में आता है हमारे। अगर आपको ये परचेज करना है तो आप हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं, हमारे स्टोर का जो एड्रेस है वो है ग्रेटर नोएडा, ओमेक्स कनॉट प्लेस मॉल, बीटा 2 सेक्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।